Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. You are welcome to my YouTube channel, Learn with Yasir Shaikh. ये आज का हमारा साइलेंट लेटर का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने लेटर एच तक सीख लिया है. अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देखिए. तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट लेटर है लेटर आई. फ्रेंड्स, आपके लिए खुशी की बात यह है कि लेटर आई साइलेंट नहीं होता है. सिर्फ एक वर्ड है जिसमें लेटर आई साइलेंट होता है और वो वर्ड है बिजनेस. बिजनेस. आगे हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं लेटर के. अगर लेटर के बाद एन आ जाए तो लेटर के साइलेंट होता है. जैसे नॉलेज, नॉलेज. नोक, नोट. नो. आगे हम लोग देखते हैं लेटर एल. अगर लेटर एल से पहले ए आ जाए और लेटर एल के बाद के आ जाए तो लेटर एल साइलेंट होता है. जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, वॉक, वॉक. टॉक, चॉक. और ऐसे ही अगर लेटर एल से पहले ए हो और उसके बाद एफ आए तो लेटर एल साइलेंट होता है. जैसे हाफ, हाफ. काफ. और ऐसे ही अगर लेटर एल से पहले ओ और यू आ जाए तो लेटर एल साइलेंट होता है. जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, कुड, कुड. वुड, शुड. आगे हम लोग देखते हैं लेटर एन. अगर लेटर एन से पहले एम आ जाए तो लेटर एन साइलेंट होता है. जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, ऑटम, डैम. हिम, कॉलम. आगे हम लोग देखते हैं लेटर पी. अगर लेटर पी के बाद एस आ जाए तो लेटर पी साइलेंट होता है. जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी. साम, साम. सीडो, सीडो. और ऐसे ही अगर लेटर पी के बाद एन आ जाए तो भी लेटर पी साइलेंट होता है. जैसे निमोनिया, निमोनिया. न्यूमैटिक, न्यूमैटिक. आगे हम लोग देखते हैं लेटर एस. अगर लेटर एस से पहले आई आ जाए तो लेटर एस साइलेंट होता है. जैसे आइलैंड, आइलैंड. आयल, आयल. आइलेट, आइलेट. लेटर टी. लेटर टी से पहले अगर एस हो और उसके बाद एल और ई आ जाए तो लेटर टी साइलेंट होता है. कैसल, हसल. बसल, विसल. और ऐसे ही अगर लेटर टी से पहले एस हो और उसके बाद ई एन आए तो भी लेटर टी साइलेंट होता है. जैसे लिसन, लिसन. हैसन, हैसन. फासन, फासन. और ऐसे ही अगर लेटर टी से पहले एफ हो और उसके बाद ई एन आए तो भी लेटर टी साइलेंट होता है. जैसे ओफेन, सोफेन. और ऐसे ही दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम देख लेते हैं कि उसमें लेटर टी प्रोनाउंस नहीं किया जाता है. जैसे क्रिसमस, आजमा, आजमा. तो देख सकते हैं इसमें टी, क्रिसमस का टी नहीं बोला जा रहा है. और ऐसे ही आजमा में टी प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है और उसके साथ साथ एच भी नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा है. लेटर यू. अगर लेटर यू के बाद आई आ जाए तो लेटर यू साइलेंट होता है. जैसे बिस्किट, बिस्किट. बिल्डिंग, गिल्टी. गिटार. अगर लेटर यू के बाद ई आ जाए तो भी लेटर यू साइलेंट होता है. जैसे गेस, गेस्ट. टंग. लास्ट साइलेंट लेटर और वो है डब्ल्यू. अगर डब्ल्यू के बाद आर आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट होता है. जैसे रॉन, राइट. रैक, रेंच. रिंकल. और ऐसे ही कुछ वर्ड हैं
जिसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे आंसर सोट, सोट। तो देख सकते हैं कि कहीं भी डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक साइलेंट लेटर यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।